हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग चैनल। तो चलो इस वीडियो में आज की मार्केट की रिव्यू कर लेंगे एंड कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हैं, कहाँ पे कॉल एंड पुट बाय कर सकते हैं, कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड कर सकते हैं, हर चीज डिस्कस कर लेंगे। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखो ताकि कल आपको इससे एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल सके। सो देखो, निफ्टी में आज बहुत ही हैवी सेलिंग आई है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था ये मेरे लिए, ठीक है। बहुत ही हैवी सेलिंग आई है एंड 17,560 का ये जो एक इंटरमीडिएट जोन है, यहाँ से रिट्रेसमेंट ले रही है अभी निफ्टी, ठीक है। तो इसका रिट्रेसमेंट यहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है 17,770 तक। एंड यूजुअली अगर कभी भी ऐसे कैंडल्स बनते हैं इन पास्ट, आप जब भी आप अगर पास्ट में जाकर देखोगे तो इतने हैवी सेलिंग कैंडल्स जब भी बनते हैं तो उसके नेक्स्ट डेज में भी एक सेलिंग के मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज होते हैं। ओके, सो हमारा डायरेक्शन यही रहेगा कि यहाँ से ये रिट्रेस करके और यहाँ से वापस से नेक्स्ट फॉल के लिए निफ्टी प्रिपेयर करेगी। तो हम उस फॉल प्रोबेबिलिटी को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं कि यहाँ ये जो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट एरिया है 17,770 का, उसके पास आने दे के निफ्टी को, एंड वहां से पुट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं एंड फर्स्ट टारगेट होगा 17,650 का। ओके, फिर अगर 17,630 को ब्रेक डाउन करता है तो हमें यहाँ पे एक और पुट ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एंड यहाँ पे हम पुट ट्रेड इनिशिएट करके 17,530 तक का, 40 तक का टारगेट हम बुक कर सकते हैं, ठीक है। अगर और हैवी सेलिंग आती है और इसका भी ब्रेकडाउन होता है 17,530 का भी, तो हमें 17,410 भी देखने को मिल सकता है कल। सो इसके नीचे हम यहाँ पे 17,400 के लिए भी एक पुट साइड ट्रेड देख सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी भी काफी वाइल्ड थी आज, हैवी सेलिंग आई है बैंक निफ्टी में भी, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट कैंडल ही एक 500 पॉइंट्स का था, पहला कैंडल ही जो बना था बैंक निफ्टी में आज वो 500 पॉइंट्स के थे, ठीक है। बहुत ही एक्सट्रीम सेलिंग थी एंड उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया है, फिर यहाँ से यहाँ ये एक इंटरमीडिएट डिमांड जोन था ये, जो कि ब्रेकआउट जोन भी था इसका। सो यहाँ पे एक सपोर्ट लेके ये रिट्रेस कर रही है अभी बैंक निफ्टी, ठीक है। इस जगह पे हमने एक कॉल साइड ट्रेड भी लिया था एंड एक स्मॉल प्रॉफिट बनाया था इसमें, ठीक है। कल की पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं, तो कल अगर हम इस ट्रेंड लाइन को रेफरेंस एज ए माने, सो उससे पहले मैं बताऊं, अगर जैसा कि मैंने निफ्टी में भी कहा, जब भी ऐसे कैंडल्स बनती है तो उसके नेक्स्ट डेज में भी सेलिंग के प्रोबेबिलिटीज काफी रहते हैं। ओके, सो कल भी सेलिंग आ सकती है तो हम सेलिंग के साइड ही देखेंगे मोस्टली। तो हमें इस ट्रेंड लाइन पे अगर यहाँ पे रिएक्शन मिलता है, फिर एक छोटा सा बाउंस करके फिर वापस से इसका ब्रेक डाउन करता है, तो ब्रेक डाउन पे हम एक ब्रेक डाउन ट्रेड ले सकते हैं एंड यहाँ पे पुट साइड में, एंड हम यहाँ तक का टारगेट हम ले सकते हैं। 41,800 तक का टारगेट हमें मिल सकता है 42,100 के नीचे जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी आती है तो उसके बाद। ओके, फिर हम कॉल साइड हमें कहाँ मिल सकता है ट्रेड, ये रिट्रेसमेंट एरिया है 42,310 का, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी मिलती है तो एक कॉल साइड हम ट्रेड कर सकते हैं जो कि रिस्की रहेगा, बट छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेके हम यहाँ पे कॉल साइड ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, जो कि आज के हाई तक का हमें हम टारगेट ले सकते हैं इसमें। ओके, और यहाँ पे ट्रेल करते रहना धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे चांसेस रहेंगे इसका प्रेशर, ये यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर आई है, ठीक है, तो अभी सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकती है, तो कहीं से भी यहाँ पे वापस से फॉल्स ब्रेकआउट करके नीचे आ सकती है, तो ट्रेल करते रहना ताकि लॉस ना हो बड़ा लॉस। ओके, अगर ये जो आज भी बाइंग आई है इस जोन से 41,800 से, सो इसका भी ब्रेकडाउन अगर करता है तो हमें 41,550 तक का टारगेट भी देखने को मिल सकता है कल हमें बैंक निफ्टी में, ठीक है, हैवी सेलिंग के कंडीशन में। वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी डाउट होता है कमेंट कीजिए एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलो, आई होप कल आपका प्रॉफिटेबल रहे। बाय बाय।